हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हार्ट के बारे में। क्या जानेंगे फ्रेंड्स? हार्ट के बारे में जानेंगे और हार्ट से सारे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, चाहे वो पक्षी हो, स्तनधारी हो, मत्स्य, उभयचर, जो भी हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हार्ट, पहले हम जानेंगे कि हार्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, हार्ट जो होता है परिसंचरण तंत्र रक्त के संचरण के लिए एक अंग है। रक्त का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको संचरण करने के लिए एक अंग बनाया है ऊपर वाले ने, उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। रक्त का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसी में रक्त के संचरण के लिए एक अंग है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, हार्ट कहते हैं। हार्ट जो होता है फ्रेंड्स, जो हम देखते हैं ये रेड कलर का, ऐसे करके हम लोग बना देते हैं, ये हार्ट नहीं है दोस्तों। क्या है फ्रेंड्स? ये हार्ट थोड़ी है, ये हार्ट नहीं है। तो चलिए, और हाँ, परिसंचरण तंत्र से एक याद आया कि रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, इसे भी समझना ज़रूरी है। मतलब कि जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का क्या करता है, यातायात करता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र, जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। क्या करता है? पोषक पोषक तत्वों का यातायात करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पहले हम हार्ट को का फिगर आपको बता दें, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मत्स्य, उभयचर, इस सब में कितने हार्ट होते हैं, क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए मानव हार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक चित्र ये समझाने के लिए हम दिया गया है, ये देखिए, ये फेफड़े की ओर फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, ये दायां आलिंद होता है और इसकी के नीचे होता है दायां नीलय, और इसी तरह यहाँ होता है बायां, क्या होता है, बायां आलिंद, इधर होता है, ये होता है बायां आलिंद और नीचे होता है बायां नीलय फ्रेंड्स, ठीक है यहाँ। और ये जो होता है फ्रेंड्स, इसे बाइकस्पिड बॉल बोलते हैं, और इधर जो होता है इसे ट्राइकस्पिड बॉल बोलते हैं। मैं ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, इसमें इंगित नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। जब अशुद्ध रक्त आता है अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी होता हुआ, तो ये जो होता है दायां आलिंद, उस समय क्या होता है फ्रेंड्स, डायस्टोल अवस्था में रहता है। क्या होता है? डायस्टोल अवस्था में फूला हुआ रहता है। जब यह सिस्टोल करता है तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है खुल जाता है और अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, दायां नीलय में, इस समय यह डायस्टोल अवस्था में रहता है। और जब यह सिस्टोल करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और उसके बाद इधर से होता हुआ रक्त यहाँ आता है, और यही क्रिया इधर होती है, इधर आता है अशुद्ध रक्त, इधर जाता है शुद्ध रक्त, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। इसे मैं आगे क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताऊँगा, जो सारे क्वेश्चन कराऊँगा उससे ये सारी बातें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक और फिगर दिखाता हूँ मैं आपको, जिसे आप देख लेना अच्छे से, ये देखिए, इस फिगर को आप लोग देखिए, अंदर में ऐसा ही होता है हमारा हार्ट, ये देखिए, ये सारी नाम है और ये सारी, और यहाँ से फुफ्फुस होता हुआ, फुफ्फुस फेफड़े को बोलते हैं। तो चलिए ये देख लिया आपने, अब मैं बताता हूँ आपको कि हार्ट क्या है, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मानव का जो हृदय होता है ना, मानव का जो हार्ट होता है, हार्ट होता है उसमें चार कोष्ठक होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं, मतलब कोष्ठ, चार कोष्ठ होते हैं जो मैंने बनाया बताया आपको, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ठीक है।
उस पर दो कोष्ठक आलिंद कहलाते हैं, जो मैंने बताया दायां आलिंद और बायां आलिंद, और जो नीले कहलाते हैं दायां नीले और कौन सा बायां नीले। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? दायां नीले और बायां नीले। यहाँ तक क्लियर है? मैंने फिगर में भी आपको बताया था, इधर इधर जो करके बताया था, ये दायां आलिंद, इधर था बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले। तो क्लियर होगा, चार कोष्ठ होते हैं, क्लियर हो गया ये। हृदय का मुख्य कार्य रक्त में, मैं बताता हूँ आपको, जो ये हार्ट है इसका मुख्य कार्य क्या है। इससे पहले मैंने आपको परिभाषा बताया था और इसे और अच्छे से हम जानते हैं, हार्ट का जो कार्य है। हृदय का मुख्य कार्य जो होता है ना फ्रेंड्स, रक्त को शरीर में विभिन्न भागों अंगों तक पहुंचाना होता है। जो ये हार्ट है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था फिगर में, इधर क्या, इधर इधर जो दाएं वाले में अशुद्ध रक्त आता था, अशुद्ध रक्त, और बाएं वाले में शुद्ध रक्त आते थे। तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध होकर के हमारे शरीर में जाता है, तो वही काम है हृदय का। देखिए क्या है, रक्त की को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही क्या है, हृदय का मुख्य काम है। इसलिए हम हृदय को क्या बोलते हैं, पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। क्या? पंपिंग, पंपिंग स्टेशन। क्या बोलते हैं? पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स आप देखिए, सभी मतलब कि मानव में तो लेफ्ट साइड में हार्ट पाया जाता है। कुछ ऐसे भी मानव होते हैं जिसमें क्या होता है ना, कि हार्ट है ना कि इधर होगा, दाहिनी तरफ होता है। क्या होता है? हार्ट लेफ्ट साइड ना होकर के क्या होता है, राइट साइड होता है। किधर होता है? राइट साइड होता है। तो इस राइट साइड, इस राइट साइड होने की घटना को क्या कहा जाता है, डेस्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेक्स्ट्रो कार्डिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डेक्स्ट्रोकार्डिया बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ऐसे, वह सामान्य अवस्था जिसमें मनुष्य का हृदय दाईं तरफ पाया जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो डेक्स्ट्रो कार्डिया अवस्था बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम जानते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे हार्ट बीट के बारे में। क्या जानेंगे फ्रेंड्स? हार्ट बीट। क्या जानेंगे? हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट को ना फ्रेंड्स, ये जो हार्ट बीट है इसे मापी जाती है, किसे मापी जाती है फ्रेंड्स? स्टेथोस्कोप को हम जानते होंगे, स्टेथो, स्कोप। किससे? स्टेथोस्कोप से। क्या मानते हैं इसे? इसे हम रेडियल धमनी द्वारा मापते हैं। जो धमनी होता है हम उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल धमनी। क्या? रेडियल, DIAL होगा फ्रेंड। तो क्या है? हार्ट बीट हमने जाना। हार्ट बीट को मापा जाता है किससे? स्थेथोस्कोप से। किससे मापा जाता है? स्थेथोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्थेथोस्कोप हो गए। और इसे जो मापा जाता है किस धमनी से? रेडियल धमनी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है फ्रेंड्स? रेडियल धमनी के द्वारा मापा जाता है। तो मनुष्य में सामान्य जो होता है ना, 1 मिनट में 72 बार, क्या 1 मिनट में 72 बार, ये क्या होता है, ये धमनियाँ
का जो होती हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कती हैं। और ये जो होते हैं इसमें इसमें जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु का जो होता है वो 140 मरतबा 1 मिनट में, कितनी बार दफ़ा, 140 दफ़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये हार्ट बीट भी आपका क्या हो गया होगा फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेट आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे रक्तदाब के बारे में, किसके बारे में, रक्त दाब। ये जो रक्त दाब है इसे ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो मापते हैं ना फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, ये जो ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड्स इसे बीपी मशीन के द्वारा मापा जाता है। इस बीपी मशीन को क्या फ्रेंड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इस बीपी मशीन को, सिग्नो मेमोमीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एस्फिग्नो स्फिग्नो मेमोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्नो मेमोमीटर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, रक्त को जो रक्त का जो होता है मतलब रक्त दाब, ब्लड प्रेशर जो मापते हैं स्फिग्नो मेमोमीटर से मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि बीपी जो मापते हैं तो ये केहूनी के पास जो लगाते हैं, केहने के पास क्या लगाते हैं, मन में तो सवाल आता होगा, तो वहाँ पर जो लगाते हैं ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फैम, क्या क्या कहते हैं, ब्राचियल धमनी बोलते हैं उसे, ब्राचियल धमनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्राचियल धमनी। क्या बोलते हैं, देखते होंगे कि कान में लगाने के बाद आला को वो लगाते हैं, उसके बाद उसे सुनते हैं, तो उसको वो जो कहने के पास होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्राचियल धमनी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, ब्राचियल धमनी। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल बीपी जो होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल बीपी होता है, क्या होता है, 120/80। कितना होता है फ्रेंड्स, 120/80, ये होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल बीपी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर जो देख रहे हैं ये 120, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोलिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, साइस्टोलिक। क्या बोलते हैं, साइस्टोलिक बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो 80 दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग समझ गए कि जो ऊपर होता है 120 उसे सायस्टोलिक बोला जाता है, जो नीचे 80 होता है उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अब हम जानेंगे कि जो हाई बीपी लो बीपी हो गया, नॉर्मल हमने देख लिया कि क्या होता है, 120/80 होता है, तो हाई बीपी हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा 140/100। लो बीपी फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100/60, ये लो बीपी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए फ्रेंड्स। इस पे मत जाना, ये राइटिंग है, आप सुनना इसे, अपने से खुद से नोट्स बनाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्लियर हो जाएंगे, हार्ट से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे हृदय के बारे में। तो चलिए मैं आगे आपको तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ फ्रेंड्स। तो मनुष्य में जो होता है ना, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखा था मैंने कि एक दाया दाया आलिन बाया आलिन दाया नीले बाया नीले, तो क्या होता है, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, मनुष्य में पाया जाता है। तो शरीर, और आगे हम दूसरा जानते हैं फ्रेंड्स कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है
वो कौन सी होती है, कौन सी धमनी होती है फ्रेंड्स? महाधमनी होती है। कौन सी धमनी होती है? महाधमनी होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है, बड़ी धमनी कौन होती है? महा धमनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, महाधमनी होती है। और जो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी सिरा जो होता है ना फ्रेंड्स, वो महाशिरा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी जो सिरा होती है, बड़ी सिरा जो होती है फ्रेंड्स, क्या बड़ी सिरा जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है, क्या होती है? महाशिरा। क्या होती है फ्रेंड्स? महाशिरा होती है। और हाँ, एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो क्या कहलाता है? फुप्फुस शिरा होता है। वो कौन सा होता है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, उसे क्या कहते हैं? जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा फ्रेंड्स, जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा उसे कहेंगे फुफ्फुस शिरा। और इसमें इसी में जिसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहता है, उसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या होगा फ्रेंड्स? जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने जाना कि फ्रेंड्स क्या क्या जाना हमने फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने जाना कि जो शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है उसे क्या बोला जाता है? महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? महाधमनी बोलते हैं। और मनुष्य में शरीर में सबसे बड़ी जो शिरा होती है उसे क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। और एक महाशिरा जिसमें क्या होता है, रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, उसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा बोलती हैं। और एक मात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हमने जाना फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए होंगे फ्रेंड्स, क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब और कुछ बात को हम जानते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए और कुछ नई बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण, मतलब कि जो हृदय का को प्रत्यारोप करके लगाया गया था, वो सबसे पहले भारत में फ्रेंड्स 1994 में लगाया गया था एम्स, एम्स में जो जो डॉक्टर थे उनका नाम था फ्रेंड्स वेणु गोपाल। ये भारत में 1994 में। अगर आपको पूछे कि विश्व में, तो ये 1967 में, कब? 1967 में साउथ अफ्रीका में। कहाँ फ्रेंड्स? साउथ अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जो डॉक्टर थे उनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे होंगे आपके। तो चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी हर एक एग्ज़ाम के लिए अच्छी क्वेश्चन मानी जाती हैं और आने की काफ़ी संभावना होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं अब। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो एक मछली है, एक मछली है फ्रेंड्स, जो मैं जिसका पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसे बोलते हैं एम्फियोऑक्सिस। एम्फियोऑक्सिस में ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें हॉट नहीं पाया जाता है।
क्या होता है फ्रेंड्स, हर्ट्स क्या होता है, नहीं पाया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किस में हर्ट नहीं पाया जाता है, तो एम्फीऑक्सिस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हर्ट नहीं पाया जाता है। ये पिक्चर मैंने दिखा रहा हूँ, ये यही है एम्फीऑक्सिस, इसी में क्या होता है फ्रेंड्स, हर्ट नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चंस को देखते हैं। ये फ्रेंड्स क्या है आप जानते हैं, जानते होंगे फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका बताओ, क्या नाम है, ऑक्टोपस नाम है, ऑक्टोपस फ्रेंड्स। इसमें जो होता है ना, इसमें तीन हॉट होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऑक्टोपस में कितने हॉट होते हैं फ्रेंड्स, तीन हॉट होते हैं, कितने हॉट होते हैं, तीन हॉट होते हैं। और मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तिलचट्टा, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे तिलचट्टा भी जानते हैं। तो इसमें जो होता है ना फ्रेंड्स, इसमें हार्ट का जो कोष्ठक होते हैं, 13 कोष्ठक होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोष्ठक देखने में कैसा है लेकिन इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, 13 कोष्ठक होते हैं, किसमें, तिलचट्टे में, कितने होते हैं, 13 कोष्ठक होते हैं। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा आपका कि सबसे बड़ा हृदय किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा जो हार्ट होता है, बिग हार्ट, किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, एलिफेंट, हाथी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा हार्ट किसमें, एलिफेंट में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे मजबूत हृदय किसका होता है, तो फ्रेंड्स सबसे मजबूत हृदय जो होता है किसका होता है, जिराफ का होता है, किसका होता है फ्रेंड्स, जिराफ का होता है, क्या होता है, सबसे मजबूत, मजबूत हार्ट, क्या होता है फ्रेंड्स, किसका होता है, सबसे मजबूत हार्ट होता है फ्रेंड्स, जिराफ का होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं बता दूं कि एक क्वेश्चंस और छूट गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, देख लो आप। मानव हृदय का जो भार होता है ना, वो शरीर के कुल भार का क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे माइंड में है तो मैं सोचा कि बता दूं, शरीर के कुल भार का 0.6% ही होता है, क्या होता है, 0.6% ही होता है। और सामान्यतः मनुष्य में हृदय का भार कितना होता है, 350 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 350 ग्राम होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कभी कभी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ हो के समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।